हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज जिम से आ गए हैं और बहुत ज़्यादा बॉडी थक गई है। मेरा कल बर्थडे था तो हमने सोचा कुछ घर में मीठा बनाएंगे, बट कल भी नहीं बना पाए तो आज हम लोग कुछ स्पेशल बना रहे हैं बर्थडे के लिए। और आज चलो आपको आगे दिखाते हैं कैसे कैसे है। सो गाइस, आप देख सकते हो आज हमारे घर में बन रहा है गाजर का हलवा। अगर आप लोग रेसिपी लेना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे बनेगा। चाँदनी बना ली है। पहले तो गाजर को हमने धो के छिल के अच्छे से उसको थोड़ा सुखा लिया है। रेड कलर की गाजर यूज़ की है और अभी छोटे छोटे पीस कर रही है चाँदनी। और आज आपको हम अपने ब्लॉग में आपको ये दिखाएंगे आज गाजर का हलवा कैसे बनाती है चाँदनी, क्या करती है। सो चलो इसको फिर कुकर में डालेंगे, है चाँदनी। सो गाइस, चाँदनी ने कुकर चढ़ा दिया है और ये देखिए इसमें आप देसी घी डलेगा गाइस। और ये छोटे पीस की हैं, रेड कलर की वो ली है गाजर। कुछ लोग कद्दूकस करके बनाते हैं बट ये हम लोग इसको मतलब कि छोटे पीस करके बना रहे हैं चाँदनी को। मेरे को पता नहीं कैसे बनाते हैं और सर्दियां आ गई हैं गाइस तो इसलिए सभी का दिल कर रहा है खाने का, हम लोगों का। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं इसको और बताते हैं आपको कैसे कैसे आगे बनाते हैं। और ये देखिए देसी घी डाल रहे हैं, प्योर देसी घी घर का। और ये हम लोग दुकान का, नॉट घर का, जो भी है घर का तो डाला इसमें थोड़ा सा। सो गाइस देखिए, चांदनी ने दूध के पैकेट खोले हैं, इसमें अब दूध भी डलेगा। घी भी मतलब गर्म हो चुका है, ये देखिए धुआं निकल रहा है हल्का हल्का। तो अभी चांदनी इसमें डालेगी गजरेला, गाजर सॉरी गाइस सॉरी। तो गाइस कुकर नीचे उतार दिया है और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, ये देखो डाल रहे हैं अभी। देखो गाइस सो गाइस ये देखिए कुकर में डाल दिया है और इसमें थोड़ा दूध का पैकेट डाला है। तो इसको कितनी सीटी लगवाने जानी, जब तक ये गल लेना, पाँच छः सीटियाँ। तो गाइस इसको हाई फ्लेम में 5-6 सीटियाँ लगवा लेना। आज आपको गजरेला दिखाएंगे कैसे कैसे बनता है रेसिपी। बहुत लोग हैं जिनका गजरेला खाने का दिल करता है लेकिन कद्दूकस करने से बेचारे डरते हैं, इसलिए वो गजरेला बनाए नहीं पाते। तो आप ऐसे काट कर भी बना सकते हो बस। सो गाइस हमने इसकी सीटी निकाल ली है, थोड़ी सी रह गई थी। अब देखते हैं कुकर को खोल के कितना गला है, कि गल के कितना हो गया। बिल्कुल ही थोड़ा हो गया ये, अब और गलेगा ये पूरा भरा हुआ था ऊपर तक। तो गजरेला हमेशा मतलब कि कम ही होता है बनता है। गाइज हमने दोबारा कुकर को चढ़ा दिया है क्योंकि अभी थोड़ा ही गला है ये, बट फिर भी बहुत गल गया है। अभी बाकी सीटियाँ लगवाते हैं, जब पूरा तैयार हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कैसे कैसे है। सो बस ये देख सकते हो आप। सो गाइज अभी मैं दूध लेके आया हूँ और साथ में ये खोया लेके आया हूँ। ये मतलब कि आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तब भी मतलब वो बन जाता है, बट अपने बड़ी इच्छा है। और इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ा मतलब बढ़िया हो जाता है, तो हेल्दी हो जाएगा कुछ आज। और Hello. अभी तक इसमें सीटियाँ लग रही हैं आप देख सकते हो, और ये आदि घूम रहा है। हेलो आदि, हेलो, कैसे हो आप? ठीक हो, मैं पैटर्न दिखाता हूँ। ठीक है, देखो आदि का पैटर्न टूट गया। ओह, आदि का पैटर्न टूट गया। गाइस गाजर का जो ये हलवा है ये भी मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया है, ये थोड़ा सा रह गया, बाकी चांदनी इसमें वो ग्राइंडर मार देगा अभी। गाइस इसमें हमने शुगर भी डाल दी है, पर शुगर हमने कम डाली है क्योंकि हम जिम वगैरह जा रहे हैं तो थोड़ा कम ही। और जो ये लेके आए हैं क्या बोलते हैं उसको, खोया लेके आए हैं, ये भी बिना उसके है, शक्कर के मतलब दो शुगर लेके आए हैं। रेडी अभी नहीं हुआ, अब दोबारा गैस पे रखेंगे थोड़ा सा। इसमें गैस पे रखेंगे, एक दूध की थैली डालेंगे, करता रहेगा उसके बाद हो जाएगा। गाइस तो ये इसमें खोया डाल दिया है और एक दूध की थैली डालने लगे हैं और ये खुद ही करता रहेगा और फिर ये बन जाएगा। फिर बाकी जब खाने लगेंगे फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे। बस गाइस यही रेसिपी थी, यही सब कुछ है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। और तो गाइस ये देखिए ड्राई फ्रूट कट रहे हैं उसके लिए, क्या नाम है, गजरेले के लिए, मैं नाम भूल जाता हूँ यार गजरेले का। तो गाइस गजरेले के लिए ड्राई फ्रूट कट चुके हैं, दो तीन मैंने ले लिया खाने के लिए, डिब्बा भी खा रहा हूँ।
दिमाग नहीं लगता, बादाम होता है। ये बादाम को कभी दिमाग बोलता है, कभी दिमाग बोलता है। सो गाइस बन के तैयार हो गया है गजरेला। गाइस ड्राई फ्रूट डालने लगे हैं अभी, ये देख सकते हो आप, रेडी हो गया है। और सो गाइस फाइनली गाजर का हलवा बन चुका है, ये आप देख सकते हो। ये हम लोग अभी खाने लगे हैं और मैं भी खाने लगी और चांदी भी खा रही है और यहाँ पे रुक गई है हमारे घर में, वो भी खा रही है। तो ठीक हो रहा है। सो गाइस चलो यही था आज के ब्लॉग में। और गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बना है क्योंकि हमने जब थोड़ा सा चेक कर लिया था पहले ही। और ऐसे ही आप बना सकते हो घर में। आज हमारा मकसद ये था रेसिपी शेयर करने का क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, गाजरें भी सस्ती हैं। और मतलब कुछ लोग कद्दूकस करने से गाजरों को वो करते हैं, मतलब टाइम लगता है तो इस चक्कर में नहीं बनाते। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हो। और खोआ गाइस इसमें आपने अगर डालना हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना हो तो नहीं डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा टेस्ट चाहिए। ये खोआ भी थोड़ा हेल्दी हो जाता है। और बस गाइस आज के ब्लॉग में यही था। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।